डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़े थे. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिटेल में देख लिया था. आज का जो हमारा लेक्चर, आज हम कुछ डिसऑर्डर्स को या कुछ डिजीजेस को देखेंगे जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जा सकती हैं, जो कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं. तो वन बाय वन हम उन डिजीजेज को देखेंगे और फिर उनके सिम्टम्स, रीजंस और ट्रीटमेंट्स वगैरह की बात करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को. सबसे पहले जो हमारे पास डिजीज़ है वो है डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया जो है बेसिकली ये क्या बीमारी है, इसे हम कहते हैं ये इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन है. ठीक है, यानी कि जब भी हमारी खुराक हजम नहीं हो पाती या पार्शली हजम है, पूरी तरह से कम्प्लीटली हजम नहीं हुई, तो उसे हम कहते हैं ये है इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट डाइजेशन. इम्परफेक्ट डाइजेशन, और ये क्या है, ये डिस्पेप्सिया कहलाती है. बेसिकली ये खुद इन इटसेल्फ एक बीमारी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमें और बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं. अब डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स क्या हैं या डिस्पेप्सिया हो तो कैसे पता चलता है. सिम्टम्स के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. सबसे पहले या सबसे बेसिक सिम्टम जो है वो ये है कि पेट में दर्द होता है. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं खाना खाया और खाना हजम नहीं हुआ तो क्या होगा, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, थोड़ी बेचैनी होगी. उसके अलावा इसके साथ साथ डिस्कम्फर्ट तो होगा, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि सीने में जलन हो सकती है, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं. वन बाय वन हम इसको साथ साथ मेंशन भी करते जाते हैं. सबसे पहले जो हमने बात की वो हमने कहा कि पेन होगा या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, जिसे मैंने कहा कि बेचैनी होगी. इसके बाद हमने कहा कि हार्ट बर्न हो सकते हैं. ठीक है, सीने में जलन जिसे हम कहते हैं हार्ट बर्न्स हैं. इसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आपको मतली महसूस हो, नौजिया जिसे हम कहते हैं, यानी कि आपको उल्टी आ रही हो, लेकिन यानी आपको फील हो रहा हो कि आपको जैसे वॉमिटिंग होने वाली है लेकिन होती नहीं है. ठीक है, और इन सम केसेस आपको वॉमिटिंग भी हो जाती है. और फ्लैचुलेंस भी इसकी एक अलामत है. फ्लैचुलेंस क्या है, हवा का खराज. और ये जितने भी हमने सिम्टम्स की बात की है, डिफरेंट पैटर्न्स में इरेगुलरली ये सिम्टम्स अकर होंगे. डिफरेंट पैटर्न्स में मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ तरह के सिम्टम्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं. ये सब भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक दो भी पाए जा सकते हैं. अब इनकी रीज़न क्या है, ये क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बंदे को डिस्पेप्सिया हो सकता है. तो इसकी जो रीज़न है वो बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. वैसे जब खाना हजम नहीं हुआ, खाने के हजम ना होने की रीजंस को अगर हम देखें तो उसमें ऐसे भी हो सकता है कि स्टमक में एसिडिटी थी और बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया कर हो गया, एक्सेसिव एसिडिटी. या फिर हम कह सकते हैं कि स्टमक जो है वो सही से काम नहीं कर रहा, फॉल्टी स्टमक फंक्शन, स्टमक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, या स्टमक के अंदर कोई एक चीज़ जैसे कि हम रिलीज़ ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स कह सकते हैं वो सही से नहीं हो रहा, या स्टमक की जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो सही तरह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उसे हम कहते हैं फॉल्टी स्टमक फंक्शन. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमने कहा था लीवर के अंदर एक जूस सीक्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस. ठीक है, तो अगर वो इनसफिशेंट हो, सही तरह से प्रोड्यूस ना हो, तो भी डिस्पेप्सिया हो सकता है. अच्छा, तो ये तो थी इसकी रीजंस. अब अगर हम देखें कि किसी को डिस्पेप्सिया हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है. ट्रीटमेंट बेसिकली इस तरह से किया जाता है कि जैसे उसको उसकी रूट कॉज को पहले तो फाइंड किया जाता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो गया है, और फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट तरह की एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जा सकता है, या फिर ऐसी ड्रग्स जिनके जो HCL प्रोडक्शन को कम कर सके. ठीक है, एक हमने कहा एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन हैं जो बॉडी के अंदर से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि हार्मफुल होते हैं उनको किल कर देती हैं. ठीक है, और हमने कहा कि ऐसे ड्रग्स जो कि HCL प्रोडक्शन को कम कर दें. ठीक है, सो ड्रग्स विच रिड्यूस HCL प्रोडक्शन, हाइड्रोक्लोरिक प्रोडक्शन इन आर स्टमक. और उसके अलावा अगर कोई एस्पिरिन ले रहा है, एस्पिरिन, या हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो डिस्प्रीन के नाम से अक्सर ये जो मेडिसिन है पाई जाती है, तो इसको लेने का जो फ्रीक्वेंसी इसको लेने की उसको कम कर देना चाहिए. अगर ले रहा है कोई डिस्प्रीन ऑलरेडी तो उसको चाहिए कि वो ना ले, ताकि उसके स्टमक की नॉर्मल फंक्शनैलिटी जो है वो ठीक हो जाए. तो ये हमने देख लिया डिस्पेप्सिया को. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग के बारे में आपने अक्सर सुना भी होगा.
इसके बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो सबसे बड़ी इसकी वजह होती है वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। कुछ टॉक्सिन्स या कुछ ऐसे मादे या केमिकल्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर जब आ जाएँ तो हमें हमारे नॉर्मल फूड के डाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं या हमारे स्टमक के अंदर पॉइजन प्रोड्यूस करने लगते हैं या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है, जिसे हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। तो रीज़न की जब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की, तो हमने कहा कि इसकी रीज़न है कुछ बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। और ये कौन से बैक्टीरिया हैं? हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं जो इस तरह की बीमारी कॉज करते हैं। एक कहलाता है साल्मोनेला, साल्मोनेला, और दूसरा जो है वो हमारे पास कंपाइलोबैक्टर, कंपाइलो बैक्टर। ये दो बैक्टीरिया हमारे पास जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? ये बेसिकली कैटल्स या फिर चिकन या डक, डिफरेंट तरह की कैटल्स हो सकती हैं, या चिकन, मुर्गी या चूज़े हो गए, या फिर डक्स हैं, शीप हैं, इनके इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और ह्यूमन बींग्स के अंदर कहाँ से आता है? ह्यूमन बींग्स के अंदर ये ट्रांसफ़र होता है विद द हेल्प ऑफ द फूड दैट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, और वो आता है खाना इन जानवरों की तरफ से, जैसे कि हम कह सकते हैं मिल्क, या फिर गोश्त हम खाते हैं मीट, या फिर अंडे खाते हैं हम, या फिर अनपास्चराइज मिल्क, मिल्क के अंदर हम कहते हैं अनपास्चराइज मिल्क। अनपास्चराइज या पास्चराइजेशन क्या होती है, इसको हमने ऑलरेडी बात भी की थी, पास्चराइज्ड मिल्क। पास्चराइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम मिल्क को, दूध को एक ख़ास टेम्परेचर पे एक ख़ास टाइम तक के लिए उबालते हैं, गर्म करते हैं, और उससे ये होता है कि मिल्क के अंदर जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है वो मिल्क के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो दूध जो है वो हमारे लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए ठीक हो जाता है। तो ऐसा दूध जिसके लिए, जिसके अंदर पास्चराइजेशन नहीं हुई, जैसे कि हम नॉर्मली घरों में भी इसी तरह करते हैं कि दूध को इस्तेमाल से पहले उबाल लिया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर से जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और जब हम मीट की बात करते हैं, तो मीट में अगर वो जो गोश्त है वो सही तरह से पकाया हुआ ना हो, ठीक है, जब मीट प्रॉपरली कुक्ड ना हो, तो क्या होता है कि इसके अंदर भी यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमने बात की साल्मोनेला या कंपाइलोबैक्टर, ये प्रेजेंट होते हैं, और फिर उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसी तरह अंडे, अंडे की हमने बात की कि अंडों के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी को फूड पॉइजनिंग है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है वो कैसा फील करेगा, उससे बीमारी का कैसे पता चलेगा, ठीक है। सिम्टम्स में अर्ली सिम्टम्स तो इसके ऐसे हो सकते हैं कि जैसे हमने डिस्पेप्सिया की बात की थी कि डिसकम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, नोज़िया हो सकता है। इसके अलावा जो फूड पॉइजनिंग की बाकी सिम्टम्स हैं, इसके अंदर डायरिया हो सकता है, जिसे हम पेशिश कहते हैं, डायरिया, और वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन की हमने बात की, पेट में दर्द जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल पेन। और ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये खाना खाने के साथ ही फ़ौरन ही नहीं हो जाते, बल्कि इसको तकरीबन 12 to 24 hours चाहिए होते हैं, यानी कि जब आपने खाना खाया उसके 12 से 24 घंटे के दरमियान आपको ये सिम्टम्स अपने बॉडी में नज़र आ सकते हैं। अच्छा, जहाँ हमने रीज़न की बात की कि किस वजह से ये फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो डीफ्रॉस्टिंग फ्रोज़न मीट भी है। इसको यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, डीफ्रॉस्टिंग फ्रोज़न मीट। अब ये क्या चीज़ है? हम सब जानते हैं कि जब भी हमने गोश्त वगैरह अपने घरों में लाना होता है तो हम बल्क में ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं, और फिर उसके छोटे छोटे ढेरियाँ से ही बना के हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर जब भी हमने बनाना होता है उन ढेरियों को या उन पोर्शंस को हम निकालते हैं, फिर हम उसको डीफ्रॉस्ट करते हैं, यानी कि पिघलाते हैं, और फिर हम उसे पकाते हैं। अब ये जो डीफ्रॉस्टिंग का प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है कि हम उसे या तो पानी में रख देते हैं कुछ देर, या फिर उसको थोड़ा सा वैसे रख देते हैं ताकि उसके अंदर से जो जमा हुआ है गोश्त वो पहले पिघल जाए और फिर हम उसको इस्तेमाल करें। डीफ्रॉस्टिंग में जो बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी डिशेज़ हैं, यूटेंसिल्स वगैरह हैं, फिर अक्सर ऐसा होता है कि हम उन्हीं को अपने खाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और यही वजह है कि मोस्टली लोगों को इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब भी हम गोश्त को जमा देते हैं, जब हम उसको फ्रीज कर देते हैं, तो उसके अंदर ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला
ये जो सामने बैक्टीरिया है ये उसके अंदर होता है और वो डिवाइड होता जाता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है. जब हम उसको डिफ्रॉस्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसफ़र हो जाता है मीट से इनटू आर यूटेंसिल्स, हमारे जो भी बर्तन हैं, जो डिशेस हैं जिनके अंदर हम इनको डिफ्रॉस्ट कर रहे हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं. अब मीट को तो हम पका देते हैं, समटाइम्स इतना पका लेते हैं कि उसके अंदर से ये जो बैक्टीरिया है ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो जो बर्तन हमने इस्तेमाल किए थे जिनको बाद में हम अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर ये बैक्टीरिया वहीं पे रहता है और फिर क्या होता है कि वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में चला जाता है और फिर उससे हमें बीमारी कॉज हो जाती है. तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है फूड पॉइजनिंग की. इसके अलावा कुछ ऐसा खाना जो कि हम कैंड फॉर्म में लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ प्रिजर्व्ड फ्रूट्स भी हो सकते हैं या फिर मीट है या कोई भी ऐसी चीज़ जो कैंड फॉर्म में हम ले रहे होते हैं, डिफरेंट स्टोर्स में हमें मिलती है, ऑफ सीज़न में हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है. ठीक है, वो क्योंकि इम्प्रॉपरली कैंड है, सही तरह कैंड नहीं हुए और उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ना सिर्फ ये बैक्टीरिया बल्कि कुछ और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर पाए जा सकते हैं और वही कॉज करते हैं फूड पॉइजनिंग को. अच्छा, ये हमने इसके कॉजेटिव एजेंट्स को देख लिया और फिर हमने देख लिया कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे. अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो, तो उसके लिए हम क्या करें? तो प्रिवेंशन जो है उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हम अपनी बेसिक हाइजीन का ख्याल रखें. बेसिक हाइजीन, और बेसिक हाइजीन क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? बेसिक हाइजीन में बेसिकली ये होता है कि हमने अपने खाने को साफ़ सुथरा करना है, अपने जब हमने खाना खाना है तो हाथ धो के खाना खाना है, जिन बर्तनों में खाना खाना है उनको सही तरह से धुला हुआ होना चाहिए, कोई बुरी चीज़ या गली सड़ी हुई चीज़ को हमें नहीं खाना. इस तरह से कुछ बेसिक हाइजीन का हमें ख्याल रखना चाहिए. इसके अलावा ऐसी चीज़ें जिनका छिलका है, जैसे हम खीरे को देख लेते हैं या फ्रूट्स हैं डिफरेंट या कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनके ऊपर छिलका है और हम छिलके के साथ उनको अपने फूड में ऐड करें, तो क्या है कि उसको अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें. और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे कि हमने फ्रीज़ कर लिया किसी चीज़ को या फ्रिज में किसी चीज़ को रख लिया, तो जब हम उसे गर्म करते हैं तो हमें उसको अच्छी तरह से गर्म करके खाना चाहिए. जब हम मीट पका रहे हैं या कुछ इस किस्म की चीज़ बना रहे हैं तो हम उसको अच्छी तरह प्रॉपरली कुक्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए. तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेयर्स हैं जिसकी वजह से हम फूड पॉइजनिंग से बच सकते हैं. अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि हमने कहा कि कॉजेटिव एजेंट्स या वो क्या कॉज करते हैं, वॉमिटिंग वगैरह या डायरिया कॉज कर देते हैं, तो ओवरऑल हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो अफेक्ट हुई हुई होती है. ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए सॉफ्ट फूड को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आहिस्ता आहिस्ता डाइजेशन जो है वो वापस नॉर्मल रूटीन पर आ जाए. तो क्या हमने बात की? सॉफ़्ट फूड. और सॉफ़्ट फूड में क्या आ जाता है? हमारे पास कुछ ड्रिंक्स हैं या फिर जैसे अक्सर कहा जाता है कि कहवा पिला देना चाहिए पेशेंट को या फिर सूप वगैरह देना चाहिए जो कि इजीली हज़म किया जा सके. ठीक है, सॉफ़्ट फूड की हमने बात की. इसके अलावा पेशेंट्स को ORS दिया जाता है. ORS क्या है? ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की जो कमी हो जाती है उसको पूरा करता है ORS. और इसके अलावा हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं. और एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, इसको ख़त्म कर देते हैं. तो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं फूड पॉइजनिंग में. ठीक है, तो ये हमने देख लिया फूड पॉइजनिंग को. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिजीज़ है वो है ओबेसिटी. ओबेसिटी के नाम से भी आप वाकिफ़ होंगे. ओबेसिटी को उर्दू में हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मोटापा. ठीक है, कि कोई भी इंडिविजुअल अगर नॉर्मल लोगों से ज़्यादा मोटा हो जाए, उसके अंदर फैट्स या चर्बी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो जो बंदा है वो ओबीस हो गया है या बहुत ज़्यादा मोटा हो गया. ठीक है, अब इसके डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं. एक जो बेसिक रीज़न है जो हर कोई जानता है वो ये है कि जो लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं और उसको यूटिलाइज नहीं करते उनके अंदर ये बीमारी होती है, वो ओबीस हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं. तो रीज़न में हम इसको मेंशन भी कर देते हैं कि वो लोग जो कि खाते ज़्यादा हैं, दे ईट मोर और यूटिलाइज लेस. ठीक
ठीक है, उसको खर्च कम करते हैं फूड को और खाते ज़्यादा हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो सरप्लस जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है फूड की, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, चर्बी की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है. ठीक है, तो एक रीज़न जो है वो ये है ओबेसिटी की. इसके अलावा कुछ और रीज़न्स भी हो सकती हैं जिसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हो जाती है. इमोशनल डिस्टर्बेंस और ये भी एक रीज़न है मोटापे की. इसके अलावा कुछ और रीज़न्स हैं जो कि हमारे हार्मोन से रिलेटेड होती हैं. ठीक है, यानी कि डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन को अफेक्ट करें, जिसमें कौन कौन से हार्मोन्स हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड या डिफरेंट ग्लैंड्स को, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, ये तमाम ग्लैंड्स हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर हो जाए या इनमें से किसी के एक के अंदर, तो उनके जो सिक्रीशंस हैं या हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट तरह के रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है. ठीक है, और इसमें होता क्या है, होता ये है कि एडिपोज टिश्यूज़ बन जाते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं तो वो जो फैट्स होते हैं वो सेल लेवल तक जब जाते हैं, सेलुलर लेवल तक, तो एक सेल के अंदर पहले तो फैट की छोटी सी अमाउंट होगी. ठीक है, आप समझ लें जिस तरह ये डॉट है, ये आपको एक फैट के मॉलिक्यूल आप समझ लें कि इसको बता रहे हैं. ठीक है, फिर ऐसे है कि जब ज़्यादा ज़्यादा फैट या ज़्यादा ज़्यादा क्वान्टिटी हमारे पास फैटी एसिड्स की आती जाती है, वो उसके साथ साथ एक्यूमुलेट होती जाती है. ठीक है, इसके साथ साथ जमती जाएगी और एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल बन जाता है, और इसके साथ साथ बाकी मॉलिक्यूल्स आके इसके साथ अटैच होते जाते हैं. तो अल्टीमेटली होता यह है कि एक नॉर्मल सेल के अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, एक नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल है या फैट मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये सेल के बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं. ठीक है, इसके अंदर उन ऑर्गेनेलीज की पोजीशन को डिस्टर्ब कर देंगे, उनकी क्वांटिटी को डिस्टर्ब कर देंगे, साइटोप्लाज्म को या उसके साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर क्वांटिटी है उसको डिस्टर्ब कर देंगे, और अल्टीमेटली होगा ये कि फैट्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, वो जमा होते जाएंगे और एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं वो बनते जाएंगे. ठीक है, जब फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो एडिपोज टिश्यूज़ बन जाते हैं, और वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे एब्डोमेन में किडनीज़ के अराउंड जाके स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, तो स्टोरेज की इनकी बेसिकली दो जगह हैं, एक तो हमने कहा कि वो एब्डोमेन में जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वहाँ पर स्टोर हो जाएंगे एडिपोज टिश्यूज़, और दूसरे हमारे अंडर द स्किन, हमारी स्किन में मसल्स के ऊपर जो है वो आके जमा हो जाएंगे. ठीक है, तो ये दो जगह हैं जहाँ पे फैट्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं. अच्छा, कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि वो खाते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो मोटे नहीं होते. ये बहुत अजीब सी बात है कि ऐसा क्यों होता है कि वो चाहे जितना भी खा लें, उनको खुद भी अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि जी हम खाते बहुत हैं बट हम वेट गेन नहीं कर पा रहे. उसके रीज़न जो है वो डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं. एक रीज़न जो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है वो क्या है, वो हार्मोन बैलेंस है. हार्मोन बैलेंस और डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो कुछ डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं, तो उनका जो हार्मोन बैलेंस है वो बाकी इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, और ये जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता. और इसकी वजह से क्या होता है कि उनके जो बॉडी पोस्चर है वो एक जैसा होता है, और अक्सर आपने देखा होगा कि जिनके पेरेंट्स मोटे होते हैं उनके बच्चे भी थोड़े थोड़े ओबीस नज़र आते हैं, जो पेरेंट्स बहुत वीक देखने में लगते हैं उनके बच्चे भी कुछ इसी किस्म की बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं. अच्छा, अब ओबेसिटी को जैसे हमने देख लिया कि ये एक बहुत ऐसी बीमारी है जो कि आपके बाकी बॉडी फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर सकती है, वो किस तरह से डिस्टर्ब कर सकती है कि ये कुछ और प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकती है, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. प्रॉब्लम्स जो हैं, हम कहते हैं कि मोटापा जो है वो और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, और उसके अंदर कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके अंदर हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ जिसे हम शुगर भी कहते हैं. ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस, और इसके अलावा स्टमक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ और बीमारियां जैसे कि शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, वो ज़्यादा भाग नहीं सकते, थक जाते हैं जल्दी, उनको नींद ज़्यादा आती है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ओबीस लोगों को या जो लोग जो ओबेसिटी से डिस्टर्ब हैं उनको हो सकती हैं. इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी, जैसे कि हम कहते हैं कि एंजाइना है, हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज में हार्ट फेलियर आ जाता है, या कुछ और बीमारियाँ जैसे कि एनीमिया है,
एनीमिया के अलावा आर्थराइटिस है जो कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो 20 लोगों के अंदर पाए जा सकते हैं, और ओवरऑल हम कहते हैं कि 20 लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम हो जाती है, यानी कि ओवरऑल जो उनकी उम्र है वो कम हो जाती है। प्रिवेंशन की जहाँ हम बात करते हैं, अगर कोई बंदा प्रिवेंट करना चाहता है ओबेसिटी को, या अगर कोई ऑलरेडी ओबीस है वो उसको ख़त्म करना चाह रहा है, तो उसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ ये है कि वो खुराक को उतना ही लें जितनी उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा डाइट कंट्रोल पे थोड़ा काम करें, डाइट कंट्रोल पे। डिफरेंट डाइट चार्ट्स आते हैं जो कि 20 लोगों के लिए होते हैं, उनको उस तरह से अपनी डाइट को देखना होता है। इसके अलावा रेगुलरली वो एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस, और ऐसी फूड का इंटेक करें जिसमें लेस फैट्स हों लेकिन एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो उनकी पूरी हो रही हो, ठीक है। तो लेस फैट्स एंड मोर एनर्जी हो, इस तरह की फूड का वो इस्तेमाल करें। तो ये हमने देख लिया ओबेसिटी को। आज के लेक्चर के यहीं पे हम एंड करेंगे। आज हमने तीन बेसिक बीमारियों की बात की। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्पेप्सिया को, उसके कुछ कॉजेटिव एजेंट्स को देख लिया, सिम्टम्स को देखा, और फिर हमने ट्रीटमेंट को देख लिया। उसके बाद हमने फूड पॉइजनिंग की बात की, फूड पॉइजनिंग के रीजंस को देखा, फिर हमने सिम्टम्स को देखा, और सिम्टम्स के बाद फिर हमने प्रिवेंटिव वेयर्स या ट्रीटमेंट्स को देख लिया। उसके बाद हम ओबेसिटी की बात की, ओबेसिटी के कुछ रीजंस को देखा, और फिर हमने उसके जो प्रॉब्लम्स ओबेसिटी कॉज करते हैं उसको देख लिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और डिजीज़ की बात करेंगे जो इसी तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं।